क्यों पवन सिंह के फैंस की तादाद बढ़ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और तो और यादव समाज भी अब पवन सिंह को अपना आइडल मान रहा है, इसके पीछे क्या वजह है आज हम बताएंगे। आपको बता दें कि कई छोटे सिंगरों का गाना चुरा कर खेसारी लाल यादव उनका कैरियर बनने से पहले ही बिगाड़ देते हैं। वैसे खेसारी ने ये कार्यक्रम काफ़ी समय से शुरू किया हुआ है, फिर वो चाहे रितेश पांडे हो या फिर कोई भी कलाकार, फिर वो प्रमोद प्रेमी ही क्यों ना हो, खेसारी ने सभी के गानों को बदस्तूर चुराया है और उसे गाया भी है। ये बात और है कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के जाने माने नाम है और इस जाने माने नाम को जनता का भरपूर सपोर्ट है, लेकिन खेसारी ये नहीं जानते हैं कि जो जनता आज आपके सपोर्ट में है कल आपके विरोध में होने में भी उसे टाइम नहीं लगेगा। तभी तो आज पवन सिंह के फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ है। इजाफा इसलिए क्योंकि अश्लीलता खेसारी छोड़ नहीं रहे हैं, चुराना गाना खेसारी छोड़ नहीं रहे हैं, दो मतलबी गाना खेसारी छोड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसे स्टार्स जो इस तरह के गाने गाते हैं, चुरा कर गाने गाते हैं, कैरियर नष्ट कर देते हैं, तो आप समझ सकते हैं ऐसे सिंगर से, ऐसे एक्टर से जनता कितने दिन तक जुड़ी रह सकती है। खेसारी को जब ये लगने लगता है कि उनका नाम थोड़ा कम हो रहा है या उनके नाम का दबदबा थोड़ा कम हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो वो कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देते हैं, और अगर विवाद खड़ा नहीं है तो उस फट्टे में जरूर डरा देते हैं, और ऐसे में उनके नाम की चर्चा कुछ दिनों तक भोजपुरी इंडस्ट्री में बची रहती है। अब अगर खेसारी लाल यादव विवाद भी ना करेंगे तो उनका कैरियर धीरे धीरे ही सही लेकिन चौपट ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि वो लगातार कई सिंगरों का गाना चुरा रहे हैं और उन पर लगातार इस बात का क्लेम भी लगता आ रहा है। खेसारी चोरी करते हैं, सिन्हा चोरी भी करते हैं, और कई बार तो ये हसर होता है कि खेसारी के गानों को डिलीट करवा दिया जाता है। और तो और अब पवन सिंह के ही गाने को देख लीजिए, याद आते नहीं, जिसने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ट्रीज़र है, 6 सेकंड का ट्रीज़र है, महज 6 सेकंड के इस ट्रीज़र को इतना प्यार मिल रहा है लोगों का कि ये बदस्तूर अपने रेस में है आगे ट्रेंडिंग के, और ये 8वें नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा है। हो सकता है हमारा ये वीडियो जब तक आए तब तक ये और खिसक कर 5वें या 3रे पायदान पर ट्रेंड करने लगे, और पवन सिंह के गाने जब ट्रेंड करते हैं तो आप सभी को पता है कि एक दिन के लिए वो ट्रेंडिंग में नहीं रहते, फिर वो हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते तक ट्रेंडिंग में रहते हैं, जैसे फलनवा वो फरार भनी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या आप हमारी राय से सहमत हैं ये भी बताइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।